अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खान और आप देख रहे हैं जी खबरें डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं सब मौजूद हूं गुलगश्त में। हम कुछ लोगों से सवाल करेंगे कि उनका पसंदीदा सियासतदान कौन है। बहुत मज़े के जवाब मिलने वाले हैं, चलिए चलते हैं वीडियो में और इन्जॉय करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, दुआएं आपकी। अच्छा, सेम कलर का पी रहे हैं आप, क्या ज़्यादा पसंद है ब्लूबेरी? जी सर। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? वो तो सबको पता है यार, मैं आप क्या बने, इमरान खान। इमरान खान, वजह इसकी यार ऑनेस्ट है, एजुकेटर है, ठीक है, वो सबसे अच्छा है। अच्छा, एक सवाल करता हूँ कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी, वो तो चोर है। नहीं, पूरा पाकिस्तान बोलता है सर। नहीं, मैं नहीं कहता। पाकिस्तानी पागल है जो उसके लिए कहता है वो बुरा है। उसके जैसी हुकूमत में मुझे नहीं थी, ये तो चोर, ना रोटी खाने के काबिल है ना बाहर जाने के काबिल है। उसके जब मौजे क्या थी? मौजे तो उसकी हर चीज़ की थी, पेट्रोल सस्ता था, कारोबार था, इससे तो भूख मर रहे हैं, इस चोर की हुकूमत आई है। तो नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि एक बंदे से मैंने पूछा, उसने बड़ा ऑब्वियस होकर कहा कि यार ऑब्वियसली नवाज शरीफ, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यार वो पटवारी और डग है, मैं तो यही कहूँगा, जिसने FSC की डिग्री ली हुई है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। क्या अच्छा, आपको क्यों पसंद है नवाज शरीफ? बस वैसे ही। नहीं, कोई खास वजह होगी? उसकी गंज पसंद है, बाल नहीं है या मतलब? नहीं, बात ये नहीं है, वो मरियम नवाज की वजह से पसंद है, क्या चक्कर? नहीं नहीं, मरियम नवाज की वजह से भी नहीं है, मेरा क्रश तो कोई भी नहीं है फिलहाल, डैन डैनियल के अलावा। इमरान खान आपके नज़दीक किस हद तक बेहतर चला रहा है मुल्क को पिछले हुकूमतों के हिसाब से? 110%। इतना शोर है आप? मैं 2006 से अलहमदिल्ला उसके करीब ही बैठा हूँ, बातें भी की हैं, बोला भी हूँ उनका मैंने 2006 से। एक उस टाइम वो PTI रिकेंसाओ वर्किंग कार्ड था, वो भी मैंने बनवाया, तो वो हमारे सेक्टर में आया करते थे जीनान में अलहमदिल्ला। तो तब से मैं अलहमदिल्ला, वो उसके जो बेसिकल जो फैसले हैं वो बहुत मशहूर अच्छे हैं। वो है एक स्टार है, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता किस चीज़ की स्टार है, ठीक है, पर मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, आप टॉपिक से हट रहे हैं, नवाज शरीफ का बताएं, वो क्यों पसंद है आपको? वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे यूँ पसंद है क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना, मेरे पास अपनी CD70 बाइक थी। अच्छा। तब मैंने उसके दौर में 62 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया। अब इमरान खान के दौर में मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा, किस सन में ली थी आपने बाइक? मैंने ली थी 2017। तो तब तो पेट्रोल था ही सस्ता ना, तो दौर बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी ना। इस चोर ने बढ़ाई है, उसने थोड़ा ना बढ़ाई थी। उसके दौर में मैंने इससे ज़्यादा पेट्रोल देखा ही नहीं था महंगा, मतलब सिर्फ कह रहे हो महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से पसंद है वो, को उसने महंगाई नहीं की अपने दौर में। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान का सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा आपका? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, ना होने की वजह? सारे चोर हैं। सारे चोर? बालों का कोई ताल्लुक नहीं है? बालों का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो आपका कौन है? आप हमारा कोई भी नहीं, काफ़ी वाबस्ता लग रहे हैं सियासत से। नहीं नहीं, सियासतदान हम वैसे कोई शख्स तो होगा, कोई खवातीन? कोई भी नहीं है। मरियम नवाज है, वोट ही ज़ाया कर दिया हमने। वोट ज़ाया कर दिया, ये गलत किया। नहीं नहीं, गलत आपने अपना हक ज़ाया किया। नहीं, मरियम नवाज कैसे लगती हैं आपको? मरियम नवाज अच्छी लगती है, लेकिन मरियम नवाज की बेटी भी अच्छी लगती है। अच्छा, मतलब आप नाने भी गई हैं, पोती भी पहुँच गई हैं आप फिर हैं। बेटी का नाम क्या मरियम नवाज की? नाम नहीं पता, वैसे देखी हुई है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ आपके का रिश्ता लेके आए मरियम नवाज की बेटी का? कभी भी नहीं लूँगा। नहीं लोगे? अच्छा, पसंद है, रिश्ता नहीं करना? रिश्ता नहीं करना वो मतलब ऐसी हस्ती हैं, उनको भी लेके सारी बात है, जिसका रिश्ता हुआ वो तोड़ देंगे, बहुत लोग रिश्ते तोड़ देंगे अपने। ये बहुत बुरी हस्ती है। इमरान खान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, वो ये कहता तो होगा जो दिल करता होगा। पहले सपोर्ट करते थे नवाज शरीफ को, लेकिन जब से ये आया इसको तो बिल्कुल नहीं करते। तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करना क्यों छोड़ दिया? करते हैं अभी भी, लेकिन बस कोई वजूहत है, उसके वो एक्सपोज हो गया है, जरा हकीकत सामने आ गई उसकी, इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा आपका? फेवरेट पॉलिटिशियन वो क्या था, मतलब पसंदीदा सियासतदान कौन है? पसंदीदा सियासतदान नवाज शरीफ। यार और कौन है? नवाज शरीफ है आपका भी? मतलब कैसे जैसे पूरे पाकिस्तान का नवाज शरीफ, ऐसे तो नहीं होता, आपका पूछ रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही है भाई, और कौन है भाई? यकीनी तौर पे बात नहीं करनी, खाया पूछ रहे सारे। तो पहले सिगरेट सस्ती का आता है गोल्ड लिप, इससे पहले साहब तो पहले ज़्यादा सिगरेट डब्बी सस्ती करें। अच्छा, सिगरेट के आती हैं आप, पसंद क्यों करते थे जब वो था तो सुकून था,
ना लोड शेडिंग होती थी किसी किस्म की भी, ना होती थी ये बात ना करें, नहीं होती थी, होती थी लोड शेडिंग, नहीं होती थी लोड शेडिंग हर दौर में रही है। वो आया है उसने कंट्रोल कर तो लिया था ना उसके ऊपर, तीन साल के बाद ढाई तीन साल के बाद कंट्रोल तो हो ही गया था ना उसके ऊपर। तो ये जो आया इसने क्या किया, पाँच साल इसके हो ही जाने हैं, कुछ कुछ दिनों में मुकम्मल तो देख लेंगे इसने क्या किया। आप बताएं आप कौन है? ये नवाज शरीफ है। वजह बस ऐसे ही नहीं, मतलब कोई खास वजह होती है ना किसी की पसंद की, बाल नहीं है उसके इसलिए? बाल तो उसके नहीं, बेटी प्यारी है, इतने गहरे में मिलना चाहते हैं। आप बताएं क्या पसंद है आपको? बस यार नहीं, कोई खास लगाव होता है, कोई मोहब्बत होती है, कोई वजह होती है? नहीं नहीं, मोहब्बत गंजे से कौन सी मोहब्बत की। इस भाई से पूछते हैं नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है? कोई भी नहीं हमारा यार, कोई नहीं है। क्या वजह? नवाज शरीफ था बस, वो नवाज शरीफ चला गया, बस खत्म हो गया। अब वो फेवरेट नहीं रहा आपका? नहीं। क्या वजह? बस ऐसे ही बूढ़ा हो गया, गंजा हो गया इसलिए बस चला गया इधर से, खत्म हो गई पॉलिटिक्स। मरीम नवाज कैसे लगती हैं आप? मुस्कुराहट आई है भाई, इनसे पूछ ले भाई, मतलब कोई तो वजह होगी। क्या अच्छी बात क्या लगी आपको उसमें? बस वैसे दलील हो इमरान खान क्या कहते हैं, वो तो नानी अम्मा की उम्र हो गई। हाँ नानी भी बन गई अब तो, वो अब वो तो नानी दादी, मैंने तुम्हें पर नानी भी बनने वाली है। पर नानी को तो नहीं पता लेकिन नानी बन गई है। चलो जैसी भी हैं, मियाँ जी तो बेटी हैं। कैसे दलील? दलील मंगाई तो मंगाई, तब भी 50 रुपये दी, 80 रुपये दिखा देते इन्होंने, सानू डब्बी का दुख लगा। मतलब सिर्फ डब्बी का दुख है, सिगरेट का दुख है, महंगी हो गई है, बाकी सारा कुछ बाहर में जाए? नहीं नहीं, बाहर में क्यों जाए, सब कुछ सस्ता होना, सब कुछ होना चाहिए ना सस्ता, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए जितना। आपकी कौन है फेवरेट पॉलिटिशियन? आपके फेवरेट पॉलिटिशियन आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब उनकी पॉलिटिक्स अच्छी है बड़ी, बाकी हैं वो भी चोरी। छोड़ हैं या चोर हैं? चोर हैं, चोर भी हैं चोर भी हैं ना, सिर्फ चोर हैं, चोर हैं चोड़े चोर हैं, आप ये कह सकते हैं। मतलब सरेआम चोरी कर रहे हैं भजन, डाकू हैं आखिर वो। अच्छा सिंधी हैं बड़े आखिर दारीबाज, जागीरदार हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए उनके खानदान ने। ना मतलब इसके अलावा कोई वजह उसके पसंद आने की? यहाँ पर काफ़ी महंगाई हो चुकी है ना वैसे भी, गरीब बंदा के अखराजात नहीं पूरे होते, बिना पिघल जाएगी कुछ नहीं होता। अरे इसके अलावा कोई खास वजह उसके पसंद आने की? खानदान ने क्या, उन्हें बड़ा अच्छा काम किया, मुल्तान ने भी बेहतरीन बहुत की थी, मेट्रो वगैरह इतने लिया, बड़ा सस्ता है उसका दौर, तो इमरान खान के दौर से बहुत महंगाई हुई। मतलब महंगाई और जो सस्ती चीज़ें हैं ये वजह है? हाँ यही वजह, पेट्रोल भी इन्हें बहुत महंगा किया इमरान खान ने, इस गल तो गरीब बंदा खैर पछताना ही है, गरीब बंदे जिन्नी आसानी मिलेगी वो नहीं कहेगा। सरदारी साहब की खास वजह जो पसंद है आपको? भाई जान बहुत बड़े गेमर हैं, उनका जहन बड़ा कमाल है, उन्होंने पॉलिटिक्स कमाल, उन्होंने किसी वक्त भी चाहे वो किसी का भी तख्ता पलट सकते हैं पॉलिटिक्स में, ये चीज़ है। नहीं वो तो सुनने में आया कभी पी के भी बैठे होते हैं, पी के कौन फैसले कर रहे होते हैं? पी के कौन नहीं बैठा होता, ये पी के बैठे तो नहीं थे, इनसे उल्टे फैसले हो रहे हैं। बिलावल साहब इनके बेटे हैं, इसको तो बिल्कुल अपोजिट हैं, वो तो जेंडर ही अपोजिट लगता है उनका। भाई जान वो तो सिर्फ सारा मामला ख़राब है ना उसके, क्या वजह क्या मसला हो सकता है इनका? किसका? बिलावल भुट्टो साहब का। ये तो अल्लाह मुख्तलिफ क्यों अपने वाले से? भाई जान जो उनका अंदाज़ है वो तो असल में कॉपी करते हैं अपने नाना को, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को, बाकी पॉलिटिक्स में रहने के लिए उन्हें जारी बात है कोई ना कोई तो चेंज लाना पड़ेगा ना अपने बाप से मुख्तलिफ, नहीं तो उनकी भी सिटी गायब हो जानी है वहाँ से। क्या पता बाप भी गायब कर देंगे? नहीं बाप गायब नहीं, पॉसिबल है ना, ये भी गेम चेंजर है, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। अगली हुकूमत की जो सी उम्मीद करते हैं कि शायद के पीपल पार्टी की आ जाए उम्मीदियाँ, लेकिन इसका इसके लिए कोई उम्मीद नहीं लगता है। कुछ भी हो सकता है, एक पॉलिटिक्स डिस्कशन और एक लोड शेडिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।